अगर जे यार बात न्यूकी न्यू खत्म होगी तो एक बार कल्पना करो मेन मुद्दा ये है कि अग्निपथ लेकर क्या है, जैसे ही आग जलने की घटनाएं सरकार के सामने आई तो सरकार ने रात का फैसला लिया कि इनकी थोड़ी सी लगाम ढीली करनी चाहिए। अगर हम उम्र बढ़ा देते हैं तो शायद युवाओं को कहीं ना कहीं रियायत मिल जाए, वो खुश हो जाए। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना तो एक जुमला से लिया गया था कि आपके पिता का लाभ आएगा, सेम हुआ है जो 2020 में भर्ती हुई थी एयरपोर्ट की, उसका भी इंटरव्यू हो चुका है, एनरोलमेंट लिस्ट भी आ चुकी है। वो बच्चे मतलब ये सोच के बैठे कि भर्ती हमारे ऊपर आने वाली है और अब उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं। दूसरा जो 1.5 साल से बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे कितने डेडिकेटेड है, उनके पीछे में बैठे वो पढ़ रहे हैं। सरकार की बता रहा हूँ, सरकार ये बोल रही है DOD पे कि हम इसकी तैयारी में 2 साल से लग रहे हैं। 2 साल के अंदर मैडम पूरे देश के अंदर सेंटर की और जो यारो होती है ना उनकी 82 भर्तियां हो चुकी है, तो वो क्यों करवाई सरकार ने? क्यों बच्चों को झूठा नारा दिया कि आप इसकी तैयारी करो? बच्चों को किसी चीज़ की तैयारी करते, अपना कोई बिजनेस स्थापित करते, 4 साल हो गए।